एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। इस वक्त स्टेशन रोड के जो ओवर ब्रिज है तहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग की जा रही है। जैसे आपराधिक घटना लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर प्रशासन जो है अलर्ट मूड में दिख रहा है और लगातार जो है बाइक की और कार की चेकिंग की जा रही है। देख सकते हैं नगर थाना इंस्पेक्टर जो सुदर्शन राम है, लगातार जो है ये ओवर ब्रिज पे पहुंचे हुए हैं और जहां पे लोगों की चेकिंग की जा रही है कि अपराधी तत्व के लोग जो है नहीं नहाएं, किसी के पास कोई ऐसा हथियार नहीं, जिसको लेकर लगातार जो है यहां पे प्रशासन चेक कर रहा है, लोगों को सर्च कर रहा है। लगातार देख सकते हैं कि चेकिंग, जो हेलमेट नहीं पहने हैं उन्हें भी चेक किया जा रहा है और जो देखते हैं बॉडी को भी चेक किया जा रहा है, कुछ हथियार या ऐसा कुछ जो नहीं रखे हैं, जिसको लेकर लगातार जो है प्रशासन जो है अलर्ट हो गया है। जिसको लेकर देख सकते हैं कि तमाम जो कई तरह के यहाँ पे बाइक के हैं, प्रशासन रोका गया है और जो सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रशासन है वो लगा हुआ है। हम बात करेंगे सुदर्शन राम सर, किस तरह से चेकिंग अभियान यहाँ पर चल रहा है, क्या कुछ? ये अवैध एग्जामिनेशन और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में ये चेकिंग अभियान चल रहा है। हर चौक चौराहे पर यह अभियान चल रहा है और बृहद पैमाने पर चेकिंग की जा रही है। अपराधी तत्व के जो लोग हैं, कोई हथियार लेकर कुछ ना चले, जिसको लेकर भी आप बॉडी सर्च करके चेक कर रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से लगे हुए? मुख्य रूप से आर्म्स एमुनेशन रिकवरी करना ही, क्रिमिनलों के अगेंस्ट में ही यह अभियान चलाया गया है। हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पूरे शहर में हर चौक चौराहे पर चेकिंग अभियान चल रहा है और यह लगातार चलेगा। सर, अभी ओवर ब्रिज पर यह चेकिंग अभियान चल रहा है, ऐसे कोई असामाजिक तत्व भी पकड़े गए हैं क्या? अभी तक ऐसे असामाजिक तत्व नहीं मिले हैं। इसके पहले पी देवी के पास चेकिंग लगाई गई थी, अभी अंदर पुल के ओवर ब्रिज के पास जो है चेकिंग की जा रही है। इसी तरह से और जगह चौक चौराहे पर चेकिंग की जा रही है। हाँ, मुख्य रूप से चौक चौराहे जितने भी असामाजिक तत्व जो छोटे मोटे गलियों से घुसते हैं, उन सभी गली और छोटे छोटे रास्ते में यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अपराधी अब खौफ के साए में जी रहे होंगे, डर के। कहीं कहीं पर हमारे क्षेत्र में सिविल में भी हमारी पुलिस चेकिंग कर रही है। आप सर कभी कभी सिविल में दिखाई देते हैं कहीं चौक चौराहा पर, अचानक आम जनता की तरह जाते हैं, लोगों को धर दबोचते हैं। हाँ, अगर विशेष अभियान होता है, अगर कोई सूचना होती है क्रिमिनलों को पकड़ने का, उचक्कों को पकड़ने का, तो वैसी स्थिति में सिविल में निकलना पड़ता है। चूँकि वर्दी में प्रायः दिख जाता है और भागने का प्रयास करता है, सिविल में थोड़ा आसानी होती है चोर क्रिमिनल को पकड़ने में। चलिए, तो वरीय अधिकारी के आदेश के अनुसार जो है लगातार जो शहर के विभिन्न चौक चौराहे हैं, जैसे पी देवी मोड़ हो गया, जेपी चौक हो गया, भवनिया मोड़ हो गया, ये ओवर ब्रिज क्षेत्रों के सभी जगह जो है प्रशासन चेक कर रहा है, खासकर आर्म्स एक्ट को लेकर कि किसी वैसे असामाजिक तत्व हों जिनके पास हथियार लेके घूमने के लिए कहीं क्राइम करने जा रहे हो, जैसे लोगों को खासकर निशानदेही की जा रही है और पहचान की जा रही है कि वैसे लोग जो हैं, देख सकते हैं कि बॉडी को सर्च किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि किसी के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे लूटकांड की घटना को अंजाम दे सके।